भी है रे होंगे और सेफ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम आज कवर करेंगे टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिलहाल हमने उसका कोई डेफिनेशन सामने दिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो आज हम करेंगे कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और फिर उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर उसका हम यूनिट ऑफ डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फील्ड क्या है, व्हाट इज फील्ड? ठीक है, एक फील्ड क्या होता है? तो नॉर्मल अगर मैं एकदम लोकल में कहूंगा ना, फील्ड मींस एरिया। भाई लोगों का एरिया देखा होगा ना आपने, बस वही एरिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। सपोज करो कि तुम्हारे गली में कोई भाई है, एकदम बड़ा सा भाई टाइप का, ठीक है ना, भाई टाइप का भाई, यानी सभी बहनों का भाई। तो उस भाई का एक एरिया होता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, यानी वो वहां तक किसी और को बराबर से पीट सकता है, मींस धो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना, क्लियर? तो अब सपोज करो कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में है जिसका एक, अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली रेडियस है, सपोज कि 25 सेंटीमीटर किलोमीटर का रेडियस है, तो वो 25 किलोमीटर के रेडियस में उसके चारों तरफ क्या करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब उसके अंदर कोई आएगा तो वो उसको बराबर से दे सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हम अगर कुछ अभी आ जाते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, तो एक फील्ड होता है चार्ज का, एक ऐसे फील्ड टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटेशनल फील्ड, इवन तुमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8-11। ठीक है, तो टेम्परेचर फील्ड का मतलब क्या है? तो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर एरिया तक इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो वो उस रूम का फील्ड, उस टेम्परेचर का फील्ड है वो रूम, उसके अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, वो हो गया टेम्परेचर फील्ड। सेम प्रेशर, अगर सपोज कोई क्लोज बंद एक रूम है, उसके अंदर अगर एयर प्रेशर का हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितने कितने डिस्टेंस तक प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, वो पर्टिकुलर जो फील्ड है, वो जो एरिया है, वो क्या है, वो प्रेशर फील्ड है। क्लियर, तो ये दोनों कौन से फील्ड है, ये दोनों के दोनों स्केलर फील्ड है। ठीक है, तो सेम टू सेम सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर फील्ड है, लेकिन है ये भी रीजन। तो क्या है, द रीजन अराउंड अ चार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स कुड बी एग्जर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज ऑब्जेक्ट। होता क्या है, सपोज करो कि ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, सपोज एक चार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो है ये अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, किसके ऊपर, तो सपोज करो ये कोई दूसरा चार्ज है Q0, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो है, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। तो ये जो रीजन हो गया, ये पूरा इलाका जो है इसका, ये जो पूरा एरिया है जिसे हम कह सकते हैं, या ये जो पूरा फील्ड है जहां पे ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई तो कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा टेम्परेचर और प्रेशर, वो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये कैसा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो इस फील्ड के अंदर ये ऐसे दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, और ये जिस डिस्टेंस तक है, जिस रीजन के अंदर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो रीजन इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, अब ये इसके ऊपर कितने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0, दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, सो द फोर्स अप्लाइड ऑन Q0, दिस फोर्स is directly proportional to the Q0. Clear? ये जो force है, ये force क्या है? इसके ऊपर apply हो रहा है, और इसके ऊपर कितना force apply हो रहा है, तो ये force इस charge के ऊपर depend करता है। ठीक है? और second किसके ऊपर depend करता है?
डिपेंड करता है कि ये इसके फील्ड के अंदर जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ये बल है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू E, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू Q0 इनटू E, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू कांस्टेंट Q0 इनटू E इफ Q0 इज 1 यूनिट and the force applied on it is 1 unit, then intensity is also 1 unit, so we get K is equal to 1. So therefore, F is equal to Q0 into E, so we can find E is equal to F upon Q0. So electric field intensity means the force acting, the electric force acting on per unit charge at any given point in the electric field is called electric field intensity. तो electric field intensity और electric field, ठीक है? Field क्या है? Division है, area है, इलाका है, विस्तार है, ठीक है? और इसके सामने intensity क्या है? The amount of force which is acting on the positive charge, unit charge particle of Q0, clear? So, therefore, according to this definition, E we can write F upon Q0 and the unit Newton per Coulomb. Okay, the unit is Newton per Coulomb. Newton for force, Coulomb, so Newton per Coulomb. So dimension formula, so we need to find the dimension formula. So we simply learn how to find the dimension formula. So Newton, kilogram, meter, per second square for Newton and Coulomb, ampere second. So kilogram, meter per second cube ampere. So dimension formula m1 l1 t minus 3 a minus 1, clear. So I hope electric field samajh mein aaya hoga. So electric field, electric field intensity dono different hai. Electric field kya hai? Ek region, ek vistar hai jiske andar force apply ho raha hai, lekin intensity kya hai? The amount of force which is acting on the charge particle or the positive unit charge particle means Q0. Clear? Thank you. So our next topic we will start. Okay. So now electric field due to a point charge. So electric field means electric field intensity. Clear? So electric field intensity due to a point charge. क्यों, मैंने क्लियरली कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है, उसका अमाउंट नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू नहीं हम कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो एक रीजन है, लेकिन हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी की, ठीक है। सो हम इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बार बार रिपीट नहीं करते, हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें किसके वजह से, एक पॉइंट चार्ज से क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सपोज करो ये एक चार्ज पार्टिकल है Q। अब ये चार्ज पार्टिकल, ये यूनिट चार्ज पार्टिकल Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्लियर। अब ये Q0, ये Q, अब ये Q जो है इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब सपोज करें दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है वेक्टर R, कितना है वेक्टर R, क्लियर। सो थोड़ा हम कर लिख लेते हैं, सो देयरफॉर एज शोन इन द फिगर देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस at the origin of Cartesian coordinate system, clear। तो हम Cartesian draw कर लेते हैं, अब ये चार्ज पार्टिकल जो है Q0 वो एक कौन सा चार्ज है, तो याद रखना है
जो फील प्रोड्यूस कर रहा है जिसका रीजन है वो हमारा क्या है, मेन चार्ज है, ठीक है। और ये जो चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, परीक्षण आवेश है और ये मूल आवेश है, ठीक है। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज क्यू जीरो, देयरफॉर द फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू जीरो इज एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू जीरो अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर इनटू आर कैप, इक्वेशन नंबर वन, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल वेक्टर एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। सो देयरफॉर नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity vector E is equal to vector F upon Q0, ठीक है। अभी अभी आपने देखा definition क्या था, the force acting on per unit charge, clear। so vector E is equal to F upon Q0, so therefore vector E is equal to K Q Q0 अपॉन मोड ऑफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू जीरो इनटू आर कैप। सो वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मोड ऑफ आर स्क्वायर इनटू आर कैप। सो वेक्टर ई मोड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब सपोज करो कि अपने पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है पॉइंट, और अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड यानी बाहर की दिशा में होगा। सिमिलरली अगर सपोज करो तुम्हारे पास कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा, अंदर की ओर होगा, समझ में। तो अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो तुम इजीली हमने पीछे देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, कूलम्स लॉ, कूलम के नियम की अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तुम यहाँ पे उसी का उपयोग करके अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक की जगह एन आवेश है, तो एन आवेश के लिए भी तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ही तुम अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर तुम इनके मानों को ज्ञात कर सकते हो, यानी एन आवेशों से लगने वाले किसी भी एक आवेश पर लगने वाले बल का गणना तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे बिंदु आवेश है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, ऐसे Q, Q1, Q2, Q3, Q4, और उन सबका फोर्स किसी एक पर लग रहा है, तो तुम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर। तो वो तुम खुद ट्राई करना। तो हम आगे देखेंगे क्या, तो हमने देखा कि पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन कहां है, आउटवर्ड, नेगेटिव है तो कहां है, इनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो सिस्टम बनेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स होंगे, तो उस ऐसे सिस्टम को, ऐसे चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डाइपोल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल, डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। माइकल फैराडे ने सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को उन्होंने डिफाइन किया है, इंट्रोड्यूस कराया था, फिर उसके बारे में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टी यानी सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की अलग अलग कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अगर सपोज कि किसी डाइपोल के इक्वेटर पे है, और किसी डाइपोल के अगर सपोज कि
इक्वेटर पे कोई पॉइंट है, कोई एक्सिस पे है, तो इक्वेटर पॉइंट या एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हम उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो जुड़े रहिए और कंटिन्यू आप देखते रहिए और घर पे रहिए। और हाल ही में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कोरोना के जो आ रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। हालांकि चाइना में ये स्टेबल है, लेकिन अदर कंट्री में बहुत तेजी से फैल रहा है और ये हमारे देश में स्टेबल रहे और जो है वही बना रहे। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप घर पे रहिए और घर से ही सीखते रहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।